वेलकम अगेन फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनी वाला आपका स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी अपील है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि इसी में आप लोगों का फायदा है। फ्रेंड्स, मैं जब भी मैं आपको बायोकेमिस्ट्री या इस तरह के लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली आपको अलर्ट मिल जाएगा और आप उसको देख पाएंगे इमीडिएटली और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे थ्योरेटिकल एग्जाम हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताया था, जिसमें अपन ने सुगर्स की बात कही थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखना, उसके बाद में आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये वाला वीडियो हम कहाँ चल रहे हैं या किससे लिंक कर रहे हैं। सुगर्स को हमने देखा, तो याद करना, थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। सुगर्स को हमने क्लासिफाई किया था रेड्यूसिंग सुगर एंड नॉन रेड्यूसिंग सुगर। रेड्यूसिंग सुगर को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड में। सिमिलरली यहाँ पे नॉन रेड्यूसिंग सुगर को हमने क्लासिफाई किया था डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड में। ओके, अब बात कर रहे हैं अपन नॉन सुगर्स की। बात कर रहे हैं नॉन सुगर्स क्या होते हैं, दैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड नॉट स्वीट इन टेस्ट, मतलब ना तो मीठी होती है नोर पानी में भी नहीं घुलती। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या होता है इनको, हम कौन सी कैटेगरी में होते हैं। इन यहाँ पे एक कैटेगरी आती है, कौन सी आती है, जिसको अपन बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा नंबर, बहुत ज्यादा नंबर है, नंबर्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मींस इनका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इनका पॉलीसेक्रेड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर की प्रेजेंस होगा, तो नंबर ऑफ मोनोसेक्रेड यूनिट बनती है, मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनती है। कीप इन माइंड, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे दूसरे तरीके से, बहुत सारी पॉली मोनोसैकेराइड यूनिट से पॉलीसैकेराइड बना होता है। मोनोसैकेराइड किसको बोलते हैं, जिनका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस ना कर सके, हम उसको मोनोसैकेराइड बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे, जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो अटैच होके बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। जैसा कि हम एक सिंपल सी बात कहूं, बड़ा कोई चीज मेरे हाथों में नहीं आएगा। सिमिलरली बड़ा मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर इनसोल्युबल होता है। जितना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो वाटर सोल्युबल होने की गुंजाइश कम रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन संख्या ज्यादा है, कार्बन संख्या में के जितनी ज्यादा होगी वो वाटर में सोल्युबलाइज नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी शायद कि ये वाटर सोल्युबल नहीं होता। तो फिर वाटर सोल्युबल क्यों नहीं होता, फिर क्या होता है, ये क्या करते हैं पॉलीसेक्रेड, नेक्स्ट आता है क्या बनाता है, जिस तरह से आप क्या करें, गोंद लिया, सूखा हुआ गोंद लिया और उसको मैं पानी मिलाते गए तो उसका एक जो सॉल्यूशन टाइप का बनता है, ना तो क्लियर सॉल्यूशन बनता है, ना वो चिपचिपा टाइप का बन जाता है, ट्रांसल्यूसेंट टाइप का बन जाता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोलोइडल कंडीशन बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पॉलीसेक्राइड क्या करते हैं, वो इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ देयर नेचर वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, उनका बड़ा स्ट्रक्चर है, वाटर इनसोल्युबल होता है, इसलिए वो इनसोल्युबल होने की वजह से कोलोइडल फॉर्म बना लेते हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अब इन पॉलीसेक्राइड्स को आप का कैटेगराइजेशन क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर यूज टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड। मींस जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहली कैटेगरी जिसको हमने बोला होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, होमो का मतलब होता है यदि मैं हिंदी में लिखूं तो एक जैसा,
होमो का मतलब एक जैसा, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड ही उसमें यूटिलाइज होंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। एग्जांपल लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्च है, स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? पॉलीमर होता है किसका? दैट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें बहुत सारे ग्लूकोज ही ग्लूकोज, एक ही जैसे ग्लूकोज ही ग्लूकोज अटैच होके स्टार्च का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टार्चर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं होमो पॉलीसेकेराइड। अब शायद समझ में आ गया होगा होमो पॉलीसेकेराइड क्यों बोलते हैं। होमो का मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल बहुत सारे अटैच होते हैं, तो उसको बोलते हैं होमो पॉलीसेकेराइड। इसी का दूसरा नाम होता है होमोग्लाइकन्स। फ्रेंड्स कीप इन माइंड, होमोग्लाइकन्स बोला जाता है। अब एक चीज मैंने और लिखा है, क्या मैंने लिखा है? स्टार्च के आगे एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन। फ्रेंड्स बेसिकली एमाइलोज अगेन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड एमाइलोपेक्टिन इज द अगेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। फ्रेंड्स ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल एमाइलोपेक्टिन बनाता है, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल एमाइलोज बनाता है। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। अब शायद समझ में आ गया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, एमाइलोज क्या क्या होता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एमाइलोज बनाता है। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एमाइलोपेक्टिन बनाता है। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन दोनों आपस में जुड़ के स्टार्च बनाता है। क्लियर है? यहाँ पे एमाइलोज में अलग नंबर ऑफ ग्लूकोज होते हैं, एमाइलोपेक्टिन में अलग ग्लूकोज के नंबर्स होते हैं, और टोटल मिला के स्टार्च बन जाता है। क्लियर है? ये तो हो गया स्टार्च, ये किसकी कैटेगरी में आ गया? ये हो गया हमारे होमो पॉलीसेकेराइड। स्टार्च किसमें मिलता है? जो भी वेजिटेबल्स होता है वो स्टार्च होता है। स्टार्च एज ए रिजर्व फूड इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिजर्व फूड की तरह ये स्टोरेज रहता है। ओके अब आता है नेक्स्ट डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन अगेन बात करेंगे, डेक्सट्रिन ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज ऑल थ्री आर द अगेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। फ्रेंड्स कीप इन माइंड, डेक्सट्रिन ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज तीनों का नेचर अलग अलग है, लेकिन पॉलीमर किसका है? अगेन ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। तो ये तीनों किसकी कैटेगरी में आएंगे? होमो पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आएंगे। ओके फिर देखना आप, डेक्सट्रिन क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म रहता है किसका? स्टार्च से ही बनाते हैं हम डेक्सट्रिन। ग्लाइकोजन का नाम आता है तो क्या होता है? नाम सुनने में आता होगा, ध्यान देना, ये लीवर में, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में स्टोरेज फॉर्म में रहता एज ए कार्बोहाइड्रेट। ओके मींस ग्लाइकोजन किसमें मिलता है? ग्लाइकोजन मिलता है ग्लाइकोजन किसमें मिलेगा? एनिमल्स में मिलेगा। ओके फिर उसके बाद में सेलुलोज की बात करेंगे। अगेन सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और सेलुलोज किसे मिलता है? प्लांट सेल में मिलता है। प्लांट सेल में मिलता है, सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग होता है, एक एनिमल में होता है, एक प्लांट सेल में होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है इनुलिन। इनुलिन क्या होता है? अगेन इज द पॉलीमर ऑफ व्हाट? दैट इज द फ्रक्टोज, नॉट ग्लूकोज। ये सारे ऊपर वाले किसके पॉलीमर थे? ग्लूकोज के थे, लेकिन यहाँ पे इनुलिन की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या है? फ्रक्टोज की बात है। इनुलिन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नापने के लिए, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। डिटेल में अपन किडनी के फंक्शन टेस्ट पढ़ेंगे तब याद देखेंगे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। ओके तो इनुलिन वहां आएगा और इनकी स्ट्रक्चर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स तो यहाँ पे होमो पॉलीसेकेराइड का मतलब शायद समझ में आ गया होगा कि उनको होमोग्लाइकन्स भी बोलते हैं। एक जैसे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिलके स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए होमो पॉलीसेकेराइड कहते हैं। होमो पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, इस वजह से ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते, तो क्या होते हैं? ये कोलोइडल सोल्यूशन बनाते। ओके
नेक्स्ट फ्रेंड्स दैट इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। जैसा कि हमने होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब समझा था, होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब ये था कि उसमें एक जैसे मोनोमर्स होंगे, एक जैसे सेकेराइड्स होंगे। हेटेरोपॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, इसमें एक जैसे क्या कहेंगे, मोनोमर नहीं होंगे, सेकेराइड्स नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल मिलके पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, तब उसको हम बोलेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो पहला एग्जांपल हमारा एगार का नाम सुना होगा, जिसमें एगार मीडिया बनाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखना एगार किसका मिलके बना होता है, दैट इज एगारोज एंड एगारोपेक्टिन। फ्रेंड्स एगारोज क्या होता है, दैट इज गैलेक्टोज 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टो पायरानोज। एगारोज किसका बना होता है, गैलेक्टोज प्लस दिस मॉलिक्यूल मींस 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टो पायरानोज। सिमिलरली एगारोपेक्टिन किसका बना होता है, दैट इज एस्टर सल्फेट पायरुविक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड, इन तीनों से एगारोपेक्टिन मिलकर बना होता है। एगारोज एंड एगारोपेक्टिन दोनों मिलके क्या बनाता है, एगार बनाता है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, दैट कम्स अंडर हेटेरोपॉलीसेकेराइड। क्लियर। कम टू द सेकंड एग्जांपल, दैट इज गम अकेसिया। गम अकेसिया का इसका पॉलीमर होता है, दैट इज पॉलीमर ऑफ एरापिक एसिड। एरापिक एसिड अगेन इज द पॉलीमर, पहले अरबिक एसिड को समझते हैं अपन। अरबिक एसिड किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एरेबिनोज रैमनोज एंड ग्लूकोनिक एसिड से मिलके अरबिक एसिड बनता है, या यूं कहूंगा अरबिक एसिड के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है, गैलेक्टोज एरेबिनोज रैमनोज एंड ग्लूकोनिक एसिड। और ये अरबिक एसिड बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके फिर क्या बनाता है, गम एकेसिया। इसलिए फ्रेंड्स गम एकेसिया का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन नहीं बनता, वाटर सोल्यूबल नहीं होता, वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। दैट इज द रीजन, क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं एक साथ जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है, बड़ा मॉलिक्यूल वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। क्लियर। फिर नेक्स्ट आप एग्जांपल देखना, दैट इज थर्ड एग्जांपल जिसको हमने पेक्टिन लिखा है, पेक्टिन बोला है, अगेन इज द पॉलीमर ऑफ एस्ट्रीफाइड गैलेक्टो यूरोनिक एसिड। बहुत सारे फॉर्म्स होता है जिसमें गैलेक्टो यूरोनिक एसिड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल एस्ट्रीफाइड रहते हैं और वो पेक्टिन बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हाई एलुरोनिक एसिड। हाई एलुरोनिक एसिड इज द इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल विच इज यूज्ड जनरली इन द डायग्नोस्टिक पर्पज। क्या होता है, किसका पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ नॉन सल्फेटेड ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकन्स। ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकन्स हम किसको बोलते हैं, ग्लूकोज के साथ में एमिनो ग्रुप जुड़ता रहता है उसका, जो ग्लाइकोसामीन बोलते हैं, ग्लाइकोसामीन के बहुत सारे ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकन्स बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया हाइलोरनिक एसिड। नेक्स्ट दैट इज द फिफ्थ नंबर, हेपेरिन का नाम सुना होगा फ्रेंड्स आपने, एज ए ड्रग यूज होता है। हेपेरिन इज द मेड अप ऑफ ग्लूकोसामीन एंड ग्लूकोनिक एसिड। अगेन इसमें सल्फेटेड फॉर्म और रहता है, मींस हेपेरिन कम्स अंडर व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि हेपेरिन कौन सी कैटेगरी की केमिकल क्लास में, तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रेंड्स। सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एल्जिनिक एसिड। एल्जिनिक एसिड इज अगेन पॉलीसेकेराइड, कम्स अंडर हेटेरो पॉलीसेकेराइड, दैट इज मेड अप ऑफ मेनोरिक एसिड एंड यूरोनिक एसिड, दैट इज एल्जिनिक एसिड। मींस एल्जिनिक एसिड इज मेड अप ऑफ मेनोयूरोनिक एसिड एंड यूरोनिक एसिड। ओके। सिमिलरली हम नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखते हैं, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बोलते हैं हम जिसको, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन के साथ में जुड़ा रहता है, किसके साथ में, ग्लूकोनिक एसिड के साथ में जुड़ा रहता है। ये दोनों बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बनाते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कौन सा हेटेरोपॉलीसेकेराइड है जिसमें आपको होमोपॉलीसेकेराइड के साथ में एग्जांपल दे देंगे, तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यदि आपने रूटीन में इनका स्ट्रक्चर, इनका नाम नहीं पढ़ा होगा तो आपको कई बार पूछा जाता है विच वन इज द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में आता है। फ्रेंड्स कीप इन माइंड एगार का नाम तो आप बड़े आसानी से याद कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट में गमे किसे का भी आप कोरिलेट कर लेंगे। पैक्टिन का नाम जनरली कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट एमिनो एसिड या प्रोटीन से रिलेटेड, ये प्रोटीन नहीं है, पैक्टिन कम्स अंडर द कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली हाई एलोरोनिक एसिड, एल्जेनिक एसिड जनरली स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में डाल देते हैं या फैट्स एंड ऑयल्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। फ्रेंड्स दीज कम्स अंडर अगेन कार्बोहाइड्रेट, इसमें हेटेरोपॉलीसेकेराइड में। ओके कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट तो बच्चों को हवा ही नहीं लगती कि ये कौन सी क्या है, अगेन इट कम्स इन द कार्बोहाइड्रेट अंडर द कैटेगरी ऑफ हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रेफरेंस से, बट ऑब्वियस है थ्योरेटिकल एग्जाम्स में तो अपन को लिखना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। ओके नेक्स्ट तो लास्ट कैटेगरी आती है क्लासिफिकेशन की, डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट हम किसको बोलते हैं, बेसिकली जो मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड से उनसे हम डेरिवेटाइज करके बनाते हैं। ऑल्दो इनका नाम आपने नहीं सुना होगा लेकिन क्या होता देखना, सबसे पहले एस्कॉर्बिक एसिड है जिसको आप विटामिन सी भी बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी भी बोलते हैं। ये विटामिन सी किससे बनाया जाता है, अगेन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बनाते हैं। यूरोनिक एसिड का नाम सुना होगा, अभी अपने हेटेरोपॉलीसेकेराइड में आया था यूरोनिक एसिड डेरिवेटिव, अगेन यूरोनिक एसिड पाथवे भी होता है, वो हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। फ्रेंड्स ग्लिसरोल का नाम सुना होगा, ग्लिसरोल जनरली लिपिड के क्लासिफिकेशन में आता है, दैट इज द डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। अगेन गैलेक्टोसामीन, गैलेक्टोज के साथ में एमिनो ग्रुप लगा रहता है उसको गैलेक्टोसामीन बोलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है और न्यूरॉन्स में स्पेशली गैलेक्टोसामीन मिलता है। सिमिलरली ग्लूकोसामीन, ग्लूकोज के साथ में एमिनो ग्रुप लग जाता है, अगेन बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पेशली न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। डीऑक्सीराइबोज का नाम सुना होगा, अगेन डीएनए का अम्ल का कंपोनेंट होता है, दैट इज अ डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। मिथाइल पेंटोज है, मतलब पेंटोज पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, अगेन इनोसिटोल, इनोसिटोल अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है और इनोसिटोल IP3 डैग, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ और बहुत सारा ड्रग्स के साथ में इन्वॉल्वमेंट रहता है, मैकेनिज्म में इन्वॉल्वमेंट रहता है इनोसिटोल, फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इसका। ओके तो ये हो गया हमारा डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स, क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, विच वन इज डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट या विच इज नॉट बिलोंग्स टू द डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स इस लिस्ट याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा यूज होता है डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, ज्यादातर स्टूडेंट्स को इनका बारे में हवा ही नहीं लगती कि ये है क्या। ओके ये है फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन, मैं क्लासिफिकेशन रिवाइज कर रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट ऑफ कार्बन बोला था, जिसमें हमने सुगर्स एंड नॉन सुगर्स हमने क्लासिफाई किया था। सुगर्स हमने वाटर सोल्यूबल एंड स्वीट एंड टेस्ट होती है, जिसको हमने किस कैटेगरी में किया था, रिड्यूसिंग सुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर बोला था। फिर उसके बाद में हमने बोला था नॉन सुगर्स, नॉन सुगर्स कौन सा था, जिसमें इनसोल्यूबल इन वाटर और नॉट स्वीट इन टेस्ट, वो बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि वो पॉलीसेकेराइड फॉर्म रहता है। पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी हमने दो कैटेगरी पढ़ी, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड, एंड लास्ट में हमने पढ़ा डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट, जिसके अपन ने एग्जांपल्स देखे। ये है फ्रेंड्स टोटल क्लासिफिकेशन, यदि थ्योरी का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स तो मैंने आपको जो लिखा है और जो मैंने आपको बोल के समझाया है दोनों चीज लिखनी है आपको एग्जाम में, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। और यदि ज्यादा डिटेल क्वेश्चन आता है तो आपको मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर भी लिखना पड़ेगा, वो हम डिफरेंट अलग वीडियो में पढ़ने वाले, उनका स्ट्रक्चर और कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, वो डिटेल में
हम बाद में पढ़ने वाले, यहाँ अपन यही पढ़ेंगे। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डाइसेक्राइड के कंपोनेंट पूछ लिए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आप इनको पूरा का थ्योरली पढ़ेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, इनबिल्ट होंगे और वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फायदा होगा। जब भी मैं नया वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको क्या होगा, इमीडिएटली अलर्ट आ जाएगा और उससे आप इमीडिएटली आप देख पाएंगे सबसे पहले, और सबसे पहले अपडेट हो पाएंगे अपना बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज अपडेट करने के लिए। यदि अपने फ्रेंड सर्किल में यदि आपका फार्मेसी स्टूडेंट है, केमिस्ट्री पर्सन है, बीएससी का स्टूडेंट है, एमएससी का स्टूडेंट है, नर्सिंग का है, डेंटल का है, एमबीबीएस करने वाला स्टूडेंट है, जितने भी साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट है, उन सबको आप ये वीडियो लेक्चर शेयर कर सकते हैं। 12th क्लास में भी ये चैप्टर है, तो फ्रेंड्स आप उसको उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि उन सबको फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।